हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का स्मार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 28 परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वॉल्यूमेट्रिकली, यानी कि वॉल्यूमेट्रिकली हमने ऑक्सैलिक एसिड की जो है ना वो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी फाइंड आउट करने का मतलब है हमने उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूमेट्रिकल का मतलब होता है हमने कंसंट्रेशन मालूम करना बाय मीन्स ऑफ टाइट्रेशन। जिस स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस रिक्वायर है उसमें 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, ऑक्सैलिक एसिड है जिसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, वाटर है, फिनोफ्थालीन इंडिकेटर है, ड्रॉपर है, कॉनिकल फ्लास्क है, पिपेट है, फनल है, बीकर, आयरन स्टैंड और ब्यूरेट शामिल है। जिस स्टूडेंट ये मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क है, सबसे पहले मैं इसको डिस्टिल्ड वाटर से रिंसिंग करूंगा, यानी अच्छी तरह से वाश कर लूंगा। उसके बाद मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिंसिंग कर लूंगा, वाश कर लूंगा। कॉनिकल फ्लास्क को पहले डिस्टिल्ड वाटर और बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिंसिंग करने के बाद, वाश करने के बाद आपने क्या करना है, पिपेट में 10 cm³ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है और इसको इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर प्रिकॉशन लाजमी आपने अडॉप्ट करनी है, ग्लव्स पहनने हैं और इसको जोर से सख्त नहीं करना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपके मुंह में ना चला जाए। ये देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये 10 cm³ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, इसको मैं कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर दूंगा। ये देखें स्टूडेंट, इसमें कॉनिकल फ्लास्क में 10 cm³ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद आपने इसमें 2 ड्रॉप्स जो हैं वो फिनोफ्थालीन इंडिकेटर के ऐड करने हैं। जब ऐड करेंगे तो इसका जो कलर होगा वो पिंक हो जाएगा। ये देखिए इसका जो कलर हो गया वो पिंक हो गया। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि ब्यूरेट को अच्छी तरह से ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन से इसको रिंसिंग करना है, यानी कि वाश करना है। उसके लिए मैं उसके ऊपर फनल रखूंगा और ये ऑक्सैलिक एसिड का जो ऑक्सैलिक एसिड है ये मैं इसमें ऐड करूंगा। ये देखें जी स्टूडेंट, इसको ब्यूरेट, जी स्टूडेंट, ब्यूरेट को वाश करने के बाद मैंने इसमें ऑक्सैलिक एसिड 0.0 तक जो है ना फिल कर लिया है और नीचे से जो एयर बबल है उसको रिमूव कर दिया है। एयर बबल कैसे रिमूव करते हैं, इस टैप को ओपन करते हैं ताकि ऑक्सैलिक एसिड इसमें से फ्लो कर दे, कि यहाँ पर एयर बबल्स बबल कोई नहीं बनना चाहिए। स्टूडेंट, ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन था जिसमें मैंने फिनोफ्थालीन इंडिकेटर ऐड की थी और इसका कलर पिंक हो गया था। अब मैं इसको टाइट्रेट करना है अगेंस्ट द ऑक्सैलिक एसिड, तो मैंने इसको इसके नीचे रख दिया। टैप को हल्का सा ओपन करेंगे कि ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऑक्सैलिक एसिड इसमें फॉल हो, तो जब इसका एंड पॉइंट लाइट पिंक हो जाएगा वो वाली रीडिंग हम नोट कर लेंगे। फ्रेंड, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो लाइट पिंक हो चुका है। अब इसमें मैं एक या दो ड्रॉप्स और ऐड करूंगा और इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा। जब इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा तो मैं वहां से ब्यूरेट से इसकी रीडिंग नोट कर लूंगा कि क्या रीडिंग आई है, यानी कितना ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो लाइट पिंक कलर था वो डिसअपीयर हो चुका है और यहाँ पर जो रीडिंग है वो हमारे पास 10 है। तो इसका मतलब है जो ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो 10 cm³ यूज हुआ है जिसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को टाइट्रेट किया है। इस स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट नंबर 28 जो हमने परफॉर्म किया है उसकी मैं ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वॉल्यूमेट्रिकली, कि ऑक्सैलिक एसिड की हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी वॉल्यूमेट्रिकली। वॉल्यूमेट्रिकली का मतलब होता है कि बाय मीन्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब है एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाना। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन क्या होगी, हमने जो ऑक्सैलिक एसिड था, ऑक्सैलिक एसिड ये COOH फिर COOH 0.2H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाया तो सोडियम ऑक्सैलेट बना, साथ में वाटर बना। अगर हम ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना लिखें तो सिंपल इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब इसको वाटर में हल किया, ऑक्सैलिक एसिड जब 2 mol ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो उसने बनाया सोडियम ऑक्सैलेट, साथ में वाटर बना दिया। अब यहाँ पर हम मोलर रेशो देखें तो ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास 1 mol था, ये देखें ये 1 mol है, और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो 2 mol था, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मोलर रेशो बनी ऑक्सैलिक एसिड की 1 बनी और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी 2 बनी। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हमें पता हो और वो उसने 0.1 mol सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रोवाइड किया था जिसकी मदद से हमने मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड की फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे वो फिनोफ्थालीन इंडिकेटर यूज करेंगे, एंड पॉइंट क्या होएगा, लाइट पिंक होगा।
स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन देखते हैं। हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम लिया था ईच टाइट्रेशन, याद है इसको हमने पिपेट की मदद से 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने ऐड किया था कॉनिकल फ्लास्क में, तो वो हमारा V1 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर जो मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो उसने खुद प्रोवाइड की थी, M2 वो 0.1 मोलर था। तो हमने क्या फाइंड करना था, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड आउट करनी थी हमने। तो उसको मैंने M1 का नाम दिया हुआ है, एसिड के लिए 1 का वर्ड यूज किया है और बेस के लिए 2 का वर्ड यूज किया हुआ है। अब हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड आउट करेंगे कि V1 क्या है, यानी कि हमने वॉल्यूम ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम कैसे हमने फाइंड किया था, हमने जो हमारे पास ब्यूरेट थी उसमें हमने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया था, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें फिनोफ्थालीन इंडिकेटर ऐड करने के बाद जिसका कलर पिंक हो गया था हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया था, तो उसकी रीडिंग पहले 0.0 सेंटीमीटर क्यूब थी। तो जब पिंक कलर डिसअपियर हुआ था तो ऑक्सैलिक एसिड की रीडिंग फाइनल 10 थी। तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज हुआ है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज हुआ है। इसी तरह जब सेकंड ऑब्जर्वेशन करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, तो जो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी वो 10 हो जाएगी और जो फाइनल रीडिंग हो जाएगी वो लेट्स सपोज वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर फिर जो वॉल्यूम यूज हुआ वो 10 यूज हुआ। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए जो होगा इनिशियल रीडिंग 20 हो जाएगी और जो फाइनल रीडिंग है वो 30। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम यूज हुआ वो 10 हुआ। तो यहाँ पर जो मेन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज हुआ वो 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज हुआ। जी स्टूडेंट, अब मैं मोलैरिटी के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, तो उसके लिए मैं मोलैरिटी की इक्वेशन यूज करूंगा एसिड बेस के लिए। M1V1/N1=M2V2/N2। M1 से मुराद एसिड की मोलैरिटी थी, वो मैंने फाइंड आउट करनी थी। तो M1 वैसे का वैसे रहा, जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज हुआ वो 10 था और जो नंबर ऑफ मोल थे ऑक्सैलिक एसिड के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो 1 थे। इक्वल का साइन आ गया। जो मोलैरिटी ऑफ बेस उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बताई थी वो 0.1 मोलर उसने गिवन दी थी और जो वॉल्यूम हमने खुद पिपेट की मदद से लिया था वो 10 था और जो नंबर ऑफ मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आए थे वो 2 थे। तो ये M1 × 10 आ गया, नीचे 1 नहीं लिखते होते, ये 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पर डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। ये 10 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0.5 को 10 पर डिवाइड किया तो 0.05 मोलर आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो स्टूडेंट क्या आया है, जो ऑक्सैलिक एसिड की जो मोलैरिटी है वो 0.05 मोलर आई है।